बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जिसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये हमारे जो सेकेंड ईयर फिजिक्स है चैप्टर नंबर 11 उसके हम एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और थर्मोडायनेमिक वो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, कि अगर मैं कहूँ कि चैप्टर नंबर 11 से एमसीक्यूज़ किस टॉपिक्स के ज़्यादा बन सकते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स हैं, यानी फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। तो आप देखिए कि अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा तो ऑलमोस्ट जो न्यूमेरिकल हैं वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो सारे एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ हैं, यानी एग्ज़ाम में रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं करना, और जो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, देखिए काफ़ी ईयर्स में हमारे पास आया हुआ है, तो कह रहा है द प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज इज़ कॉल्ड, ना हीट सिस्टम में आ रही है ना सिस्टम से जा रही है, तो नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। मेरा ख्याल है ये डेफिनेशन सीधी सीधी बनती है किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो द ऑप्शन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो कह रहा है कि द प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला ऑफ द गैस इज अंडर गोइंग ए एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इज ओके। अच्छा ज़रा समझ लें कहानी क्या है, देखिएगा ये जो प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला है, और नीचे अगर आप ऑप्शन देखें तो पी और वी जो है वो सब में क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हम प्रेशर को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज़ कॉल्ड वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में वर्क, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ओके। जब हमने डेरिवेशन की तो पी डेल्टा वी कहा था, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। तो इस एमसीक्यू को वो ऐसे भी कह सकता था, बजाय ये प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला के वो कह सकता था द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है। तो ये इसकी दूसरी शक्ल होती है इस एमसीक्यू की, मेरा ख्याल है ये बात भी आपकी समझ में आ रही होगी ओके। और ये जो प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला लिखा है इसको वो ऐसे भी लिख सकता था द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भी लिख सकता था ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ये एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। अब याद रखिएगा कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास वर्क डन के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है पी वी इज़ कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट के बराबर है, ये कंडीशन है आइसोथर्मल की। अच्छा ये जो ए ऑप्शन है जिसमें पी और वी जो है वॉल्यूम के ऊपर एक पावर बनी हुई है जिसको हम गैमा पढ़ते हैं, और इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गैमा क्या है, दैट इज़ बेसिकली द रेशियो बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट प्रेशर यानी सी पी डिवाइडेड बाई सी वी, इसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, गैमा बोलते हैं। और हमने आपसे कहा था कि सी पी हमेशा ज़्यादा होता है और सी वी हमेशा क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो गैमा की वैल्यूज़ हैं इट इज़ ग्रेटर देन वन, यानी मैंने कहा था 1.1 से 1.8 गैसेस के लिए हमारे पास होती हैं। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारे पास वर्क डन है ना वो याद रखिएगा पी वी रेस टू पावर गैमा, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर गैमा होगा। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला बनता है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये ऑप्शन बी किसके लिए बनेगा, आइसोथर्मल के लिए। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये कोई मीनिंग नहीं रखते, बेकार की बात है। सो ए और बी को ज़रा अच्छी तरीके समझ लीजिएगा, ये बजाय एडियाबैटिक के अगर आइसोथर्मल लिखा हो तो ऑप्शन बी पे चलिए, ऑप्शन बी पे चले जाइएगा, और अगर एडियाबैटिक लिखा है तो ऑप्शन ए होगा, और बाकी किस तरह वेरिएशन है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए ठीक। थ्री है हमारे पास, कह रहा है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक इज़ ए फॉर्म ऑफ, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्टली हम आपको बताते हैं इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ओके। द इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगी, तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम या आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वेन द टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। नाउ बी केयरफुल, यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, और वो ये है कि इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई बच्चा मुझे कह सकता है जीरो, नो, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी जो पहले थी आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद भी वही इंटरनल एनर्जी रही, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया तब मैं कहूँगा जीरो। तो अगर उसने यहाँ लिखा होता द चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो फिर मैं ऑप्शन सी पे टिक करता, जीरो पे, अगर चेंज पूछता, बी केयरफुल। लेकिन उसने मुझे बोला कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है सो वही रहती है, सो इट्स मीन द ऑप्शन इज रिमेन्स द सेम, प्लीज़ बी केयरफुल ओके ओके। नंबर फाइव के अंदर वो कह रहा है कि इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोबैरिक का मतलब है कि हमारे पास प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो वैसे अगर आप देखें तो हम वर्क डन किसे बोलते हैं, हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम,
तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर पी एंड वी। सो अगर आप जनरल गैस इक्वेशन को याद करें तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो इसका मतलब है कि डेल्टा डब्ल्यू जो कि बराबर है पी वी के, और पी वी किसे बराबर है एन आर टी के, तो मैं डेल्टा डब्ल्यू को कह सकता हूँ किसे बराबर है एन आर टी, यानी जनरल गैस इक्वेशन वाला। अब चूंकि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो मैं पी डेल्टा वी कह सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी का मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्यों वॉल्यूम चेंज हो रहा है? बिकॉज कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो एन आर डेल्टा टी, ओके, सो दी ऑप्शन इज एन आर डेल्टा टी, आई बिलीव सो। ये लॉजिक मेरी जो मैंने बताई आपकी समझ में आ गई होगी, सो दैट इज यू ऑप्शन। ओके, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म, कोई एक्सटर्नल वर्क हमारे पास नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है हमारे पास। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देख रहे हैं जो वॉल्यूम है सो वही वॉल्यूम है, तो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? आइसोकोरिक कहलाता है। अब इसको भी इसी तरीके से याद रखिएगा जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बात बताई थी। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो कह रहे हैं कि इफ द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, अगर ये बोल दें तो फिर प्रोसेस क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो आइसोकोरिक होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है सो वही है, उसमें चेंज नहीं आया, तो वॉल्यूम का चेंज जीरो, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो चेंज के लफ्ज लगाएगा तो फिर कहानी को ज़रा समझना आप लोगों ने। आप देख रहे हैं हर एमसीक्यू एग्जाम का एमसीक्यू है, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई एमसीक्यू बन रहा है सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर हीट में से, सो इट वुड बी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ए डोमेस्टिक प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में आपने उसका ढकना बंद किया तो उसका जो वॉल्यूम है जो है वही रहता है, तो प्रेशर कुकर आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जाम्पल है, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जितनी हीट हम देते हैं, क्योंकि वर्क डन तो होता नहीं, वो सारा सिस्टम के सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, तो सारी जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए तो खाना जल्दी पकता है प्रेशर कुकर में। ओके, द मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर्ड इन डैश प्रोसेस, मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस के अंदर होता है? जनाबे अली, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क डन होता है। अच्छा, इस एमसीक्यू के ऊपर ना मैं मजीद बात करना चाहता हूँ, और वो ये बात ये है कि देखिए, हम अगर आप इस एमसीक्यू को नेट पे रखें, क्योंकि बहुत सारे एम कैट के जो स्टूडेंट होते हैं वो मुझे जब व्हाट्सएप करते हैं या मुझसे कमेंट में पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं जब नेट पे गूगल पे इस एमसीक्यू को रखते हैं, तो बहुत सारी इंडियन साइट्स जो हैं वो क्या करें, टॉपर हो गई या बीजेयूज़ शायद इस तरीके से है हमारे पास, जो इंडियन जो साइट्स हैं वो क्या जवाब देती हैं, वो बताती हैं कि जो मैक्सिमम वर्क डन है वो किस में, कौन से प्रोसेस में होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। और वो उसका रीज़न ये बता रहे होते हैं कि जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज होता है उसके अंदर, तो रेट ऑफ द प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो वर्क डन है वो इसमें ज़्यादा है। आई डोंट नो कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि अभी मैंने ऊपर एक एमसीक्यू की आपसे बात की थी, इस एमसीक्यू नंबर टू की, तो ये जो पी वी रेशो कॉन्स्टेंट है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन है, और पी वी रेशो पावर गैमा ये हमारे पास किसके अंदर? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन है। तो वी के ऊपर जो है ना पावर जो है वो गैमा है, तो वी के ऊपर अगर पावर गैमा है, इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है वो, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत तेज़ी से हम चेंज करा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर भी बहुत तेज़ी के साथ हमारे पास चेंज हो रहा होता है, तो जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास प्रेशर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन इट डजंट मीन के जो इसका प्रोडक्ट है वो प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन आइसोथर्मल के प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम दो सिस्टम ले लें, एक आइसोथर्मल ले लें और एक एडियाबेटिक ले लें, और दोनों को सेम इनिशियल कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करें, यानी दोनों का जो प्रेशर की वैल्यू है और वॉल्यूम की वैल्यू वो दोनों की सेम है, तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस को हम अब एक सेकंड वॉल्यूम पे लेके जा रहे हैं, एक इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2, और जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2, तो दोनों के इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है। तो हम ये देखते हैं कि जब ये दोनों फाइनल वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों के सेम है, दोनों के फाइनल वॉल्यूम सेम है, लेकिन जब हम प्रेशर को नोट करते हैं तो आइसोथर्मल का प्रेशर ज़्यादा होता है और एडियाबेटिक का प्रेशर कम होता है, तो इस वजह से जो आंसर है वो आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क डन होगा। ओके, ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो फॉर मी दिस द आंसर इज आइसोथर्मल। ओके जनाब, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है उसके अंदर हमसे कह रहा है कि द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो,
जिसमें चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जीरो होता है वो हमारे पास है आइजोकोरिक प्रोसेस। आइजोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सिंपल है। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, यानी हम कोई हीट सिस्टम को नहीं दे रहे लेकिन वो एक्सपेंड कर रहा है बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ऑफ द गैस सिस्टम की, या गैस की जो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। सो इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग हीट एंड द सिस्टम स्टिल डज द वर्क, सो वेयर इट इज गेटिंग एनर्जी, तो सिस्टम इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी विच इट हैज स्टोर ऑलरेडी। सो जो इंटरनल एनर्जी से वर्क डन होता है तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा बड़ी कंज्यूम होगी ना वर्क में, तो इंटरनल एनर्जी कम होनी चाहिए। इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। ओके, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कूलिंग प्रोसेस भी है। ओके, नंबर 12, द एरिया बाउंडेड बाय आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व इन पी वी डायग्राम फॉर ए हीट इंजन रिप्रेजेंट। आपने अगर कार्नोट इंजन का साइकिल देखा हो तो वो आइसोथर्मल एडियाबेटिक कर्व, उसके बाद दोबारा आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व, तो एक ये कहना चाहिए कि रेक्टेंगल टाइप का, कर्व्ड रेक्टेंगल टाइप की एक चीज़ शक्ल बन रही होती है। तो वो जो एरिया बाउंड करता है पी वी डायग्राम पे, द बाउंडेड एरिया हमेशा वर्क डन होता है, प्लीज बी केयरफुल। ओके, सो जब भी पी वी डायग्राम होगी और एरिया की बात होगी तो वो हमेशा वर्क डन होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज नॉन एक्स वन, इट इज द एंड। तो यहाँ पर जाकर एंड हो गया। सो आई बिलीव सो ये सारी बातें आपकी समझ में आई होगी, बट स्टिल इफ यू फील कि यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके आंसर दूंगा क्वेश्चंस के। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो थम अप ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।